चमोली जिले के जोशीमठ में भूधसा पर जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। वैज्ञानिक संस्थानों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भार उठा रहा है, ऐसे में यहां नए भारी निर्माण ना किए जाएं। रिपोर्ट में पूरे जोशीमठ के धंसने की आशंका को नगण्य करार दिया गया है, साथ ही प्रभावित क्षेत्र की लगातार निगरानी और विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में दरारें 100 फीट से अधिक गहराई तक फैल सकती है। जोशीमठ क्षेत्र को नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया गया है। और वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहाड़ी शहरों में अधिक भार न पड़े इसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पहाड़ों में अधिक भार न पड़े पहाड़ के शहरों में उसके लिए अध्ययन कराया जा रहा है। और जिस प्रकार से किसी भी चाहे कोई भी शहर हो पहाड़ में उनके संरक्षण के लिए सरकार पूरी कटिबद्ध है और किसी प्रकार से वहाँ पे भूक्षरण न हो इसके लिए भी सारे उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और जोशीमठ की जो रिपोर्ट आई है वो जिस तरह से उस पर बयानबाजी लोग कर रहे थे वो एक जो रिपोर्ट आई है वो वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो उसके कारण वहाँ क्षति हुई है किसी प्रोजेक्ट के कारण क्षति नहीं हुई है ये स्पष्ट रिपोर्ट में